विवादित बयान दिया था और इस बयान को लेकर अब मंत्री नितिन नवीन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम रेमणु देवी को लेकर कहा है कि ऐसे शब्दों को कोई जगह नहीं दी जा सकती है और ऐसे शब्दों से हमेशा उन्हें परहेज करनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है नितिन नवीन ने रेणु देवी की उस बयान को लेकर, जरा भी सुनिए। शब्दों को कभी भी कोई जगह नहीं दी जा सकती है, अब किस आवेश में उन्होंने कहा है, वैसे शब्दों का निश्चित रूप से परहेज करना चाहिए। ऐसे शब्दों को कभी भी कोई जगह नहीं दी जा सकती। तो पटना में बीजेपी का सहयोग कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया है। दरअसल त्योहार को लेकर काफी दिनों से कार्यक्रम संचालित नहीं हो पा रहा था और आज के सहयोग कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने लोगों की फरियादों को सुना। वहीं नितिन नवीन ने कहा कि लोगों की समस्याओं को सुनकर सरकार जो कार्य कर रही है उस कमियों का पता चलता है। क्योंकि काफी पर्व त्योहार का समय रहा तो उसके कारण सहयोग का कार्यालय की दृष्टि से काम रुका रहती था। अब पुनः इसको आज से चालू किया गया है। जो लोगों की समस्या को हम लोगों ने सुना है और पिछले दिनों में जो जो चीज़ें पूर्व में भी हम लोगों ने दिशा निर्देशित किया था उसका भी फॉलोअप किया गया है। और हमको लगता है कि बिहार भर के लोग अपनी समस्याओं को जब लेके आते हैं उसके निष्पादन का जो रास्ता पार्टी कार्यालय से हो रहा है, इससे पार्टी को भी लाभ मिला और हम लोग को भी तरह तरह की समस्याओं से अवगत होने का और जो चीजें हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं उसको भी दूर करने का रास्ता बन रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार म्यूजियम पहुंचे जहां वो पुराने म्यूजियम का भ्रमण उन्होंने किया और उसी के साथ उन्होंने म्यूजियम की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही वो अंडरपास का भी उन्होंने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि बिहार म्यूजियम की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और अब आम लोगों के म्यूजियम भ्रमण पर रोक लगा दी गई। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे, म्यूजियम के कई व्यवस्थाओं का सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया है और ये सुविधाएं अब लोगों को दी जा सकेंगी कि अब लोग एक टिकट पर बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम दोनों देख सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को अंडरग्राउंड टनल से जोड़ने की योजना है उसी का निरीक्षण किया गया और उन्होंने स्थान चयन किया कि बिहार म्यूजियम में किस जगह से वो टनल की शुरुआत होगी और पटना म्यूजियम में जाके कैसे खुलेगा। माननीय मुख्यमंत्री का पहले से भी निर्णय है कि लोगों को एक ही टिकट में दोनों म्यूजियम देख सकते हैं। बिहार म्यूजियम पटना म्यूजियम के लिए अलग अलग टिकट भी नहीं होगा, एक ही टिकट से लोग दोनों म्यूजियम को देख सकेंगे। तो एक सुविधा के लिए एक अंडरग्राउंड टनल बनाया जा रहा है कि लोग आएँ बिहार म्यूजियम देखें, अंडरग्राउंड टनल से पटना म्यूजियम चले जाएं और दोनों म्यूजियम को देख के बिहार का जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसकी जानकारी लें। तो अब एक ही टिकट पे